आपने कभी किंग कोबरा और सेक्रेटरी वर्ड की लड़ाई होते हुए देखी है? क्या होगा जब एक बुलबुल अपने बच्चों के लिए सांप से भिड़ जाए? कहा जाता है कि सांप के जहर से खतरनाक कोई दूसरा जहर नहीं होता है, तो कुछ पक्षियों की प्रजातियां हैं जो सांपों से भी खतरनाक है। आज आपको सांप और पक्षियों के बीच होने वाली भयानक लड़ाइयां दिखाने वाली हुई, तो चलिए शुरू। शिकार की तलाश में एक सेक्रेटरी वर्ड जहाँ वहाँ टहल रही है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक किंग कोबरा पर। दोनों ही शिकारियों का स्वभाव आक्रामक है और दोनों ही अपने शिकार को छोड़ देने में भरोसा नहीं रखते। बस फिर क्या, कुछ ही देर में दोनों के बीच शिकार को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। सांपों में सबसे जहरीला माना जाने वाला कोबरा सेक्रेटरी बर्ड को डसने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड भी एक शिकारी पक्षी है जिसका आधा शरीर बांस और आधा शरीर सारस की तरह होता है। सेक्रेटरी वर्ड भी सांप को अपने पैर से कुचलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ता। कुछ ही देर में सेक्रेटरी वर्ड का एक और साथी वहाँ आता है। अब दोनों मिलकर कोबरा को अपने पैर से मारना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तो ये लड़ाई खूंखार चलती है, लेकिन जल्दी ही पासा सेक्रेटरी वर्ड के पाले में चला जाता है। कोबरा लड़ाई हार जाता है और सेक्रेटरी वर्ड का खाना बन जाता है। यहाँ एक चिड़िया और सांप के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। बुशराल नाम की ये चिड़िया देखने में चाहे छोटी है, लेकिन इसकी फुर्ती और उसके शरीर की टेक्निक इसे दूसरी चिड़ियों से अलग बनाती है। तभी तो ये छोटी सी चिड़िया एक सांप से भिड़ने से भी पीछे नहीं हट रही है। कभी वो सांप को अपने चोंच से मारने की कोशिश करती है, तो कभी अपने पैरों से उसे नुकसान पहुँचाती है, लेकिन सांप भी किसी मामले में चिड़िया से पीछे नहीं है। यहाँ एक सदर्न वाइन स्नेक है जो अपने शिकार को अपने शिकंजे में भरने के लिए जाना जाता है। सांप उस चिड़िया के वार से बचते हुए उसे अपने चाल में लेने की पूरी कोशिश करता है, मगर असफल ही रहता है। कुछ देर तक तो ये लड़ाई टक्कर के चलती है, लेकिन चिड़िया के लगातार होते हमले सांप को कमजोर कर देते हैं और आखिर में सांप लड़ाई हार जाता है। अब चिड़िया अपने शिकार को काटती है और अपने खाने का मजा लेती है। एक ईगल ने एक बड़े रेटल स्नेक को अपने पंजों में जकड़ा हुआ है। ईगल के पंजों की पकड़ इतनी मजबूत है कि उनसे निकल पाना सांप के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। वैसे तो सांप को शिकार करने से सभी जानवर डरते हैं, लेकिन जब बात ईगल की आती है तो यहाँ सांप का पलड़ा हल्का हो जाता है। वो सांप ईगल के पंजों से बचने की बहुत कोशिश करता है और बार बार ईगल की तरफ अपना पंख फैलाता है, लेकिन ईगल हर बार सांप पर हावी रहता है। कुछ ही देर में सांप को भी अंदाजा हो जाता है कि उसकी कोशिशों ईगल पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब ईगल सांप को बीच से पकड़ता है और उसके शरीर को फाड़ कर रख देता है। सांप काफी देर तक दर्द से छटपटाते हुए मर जाता है और ईगल का खाना बन जाता है। यहाँ एक टर्की अपनी चोंच में सांप को पकड़े हुए इधर से उधर खींच रहा है। टर्की का रवैया काफी आक्रामक होता है और सांप इस बात से भली भांति वाकिफ है। फिर भी सांप खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह टर्की के चोंच में रहता है, इसीलिए वो खुद की ज्यादा मदद नहीं कर पाता। तभी वहाँ एक और टर्की आ जाता है और सांप को दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश करता है, मगर ये बात पहले वाली टर्की को कुछ खास राज नहीं आती और वो अपने शिकार को दूसरे टर्की से दूर ले जाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वो सांप भी मर जाता है, लेकिन दोनों टर्की के बीच सांप की खींचातानी खत्म नहीं होती। पानी में रहने वाला सांप खतरनाक जानवरों से दूर समुद्र में घूम रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि खुले आसमान से भी कोई उस पर नजर रखे हुए हैं। एक ईगल और सांप पर अपनी नजर जमाए हुए हैं और उसके पानी की सतह पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ईगल का हमला धरती पर रहने वाले सांपों के लिए तो खतरनाक है, लेकिन वो पानी के सांप के लिए भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है और उसकी पहली नजर पानी के अंदर तक होती है। और जैसे ही सांप पानी की सतह पर ऑक्सीजन के लिए आता है, वैसे ही ईगल उस पर हमला कर देता है। सांप को ये समझने में वक्त भी नहीं मिलता है और अगले ही पल ईगल अपने पंजों में भर कर वहाँ से उड़ जाता है। सांप खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन ईगल की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक नहीं चलती। ईगल सांप को मारकर अपने बच्चों के पास लेकर जाता है, जहाँ उसके बच्चे खाने के लिए बेताब
रहते हैं। शिकार के आते ही सभी मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और अपने खाने का लुत्फ उठाते हैं। एक बाज और सांप के बीच खूंखार लड़ाई चल रही है, जिसमें सांप खुद की जान को बचाने के लिए लड़ रहा है तो बाज लड़ रहा है अपने खाने के लिए। सांप मौका देखकर बाज पर हमला कर देता है और उसके पैर में लिपट जाता है। उसकी कोशिश रहती है कि किसी तरह बाज को उलझाकर वहां से निकलने में वो कामयाब हो जाएं, लेकिन बाज उतनी आसानी से अपने शिकार को वहां से जाने नहीं देना चाहता। वो अपने पंजों का इस्तेमाल करता है और सांप के मुंह को जमीन में दबा देता है। सांप बाज के शिकंजे से बच निकलने के लिए काफी झटपट आता है, मगर कामयाब नहीं हो पाता। वो सांप को कभी अपने पंजे से पकड़ने की कोशिश करता है तो कभी उस पर चोंच मारता है। इसी बीच एक सही मौका आता है और बाज सांप को अपने पंजों से पकड़कर वहां से उड़ जाता है। क्या आपने कभी किसी छोटी चिड़िया और एक सांप के बीच कोई लड़ाई देखी है? यदि देखी भी होगी तो हमेशा चिड़िया को ही सांप के शिकंजे में फंसते हुए देखा होगा, लेकिन छोटी चिड़िया और सांप के बीच की लड़ाई आपकी सोच को बदल कर रख देगी। यहाँ एक ब्लूबर्ड और सांप के बीच लड़ाई हो रही है। सांप बार बार चिड़िया पर हमला करता है, लेकिन हर बार चिड़िया यहाँ से वहाँ उछल कूद करके खुद को बचा लेती है। सांप खतरनाक है, लेकिन चिड़िया भी किसी छोटा बम बड़ा धमाका से कम नहीं है। चिड़िया भी अपनी चोंच से लगातार सांप को परेशान करने में लगी हुई है। लगातार होते चिड़िया के हमलों से अब सांप भी परेशान हो जाता है और वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया हर बार सांप को अपनी चोंच से पकड़ लेती है और उससे भागने की कोशिशों को नाकाम कर देती है। तभी उस चिड़िया की मदद करने एक और चिड़िया आती है और बार बार सांप पर हमले करके उड़ जाती है। दोनों चिड़ियों के हमलों से बचने के लिए सांप बहुत सी जगहों पर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन शातिर चिड़िया उसे कहीं भी छिपने नहीं देती और बाहर खींच लाती है। इस लड़ाई के आखिरी में सांप की मौत के साथ ही चिड़िया की जीत होती है। एक बुलबुल पेड़ पर बने अपने घोंसले में अपने छोटे बच्चों को खाना खिला रही है। उसे इस बात की भनक भी नहीं है कि वही एक सांप उसके बच्चों को खाने की फिराक में छुपा हुआ है। जैसे ही वो बुलबुल अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए जाती है तो वहाँ सांप आ जाता है और बुलबुल के बच्चों को खाने की कोशिश करने लगता है। खंखार सांप के आगे बच्चे इतने समझदार भी नहीं होते कि उसका सामना कर सके, लेकिन खतरा भांपते हुए बुलबुल भी तुरंत ही आ जाती है और अपनी चोंच से सांप को मारना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में सांप वहाँ से भाग जाता है। अब बुलबुल अपने बच्चों को सांप से बचाने में सफल हो जाती है। एक चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाना लेने गई है। चिड़िया के बच्चे यहाँ अकेले ही बैठे रहते हैं और तभी वहाँ एक बड़ा और खतरनाक सांप आ जाता है। चिड़िया के बच्चों को अपने पास बढ़ते इस खतरे का अंदाजा भी नहीं रहता कि उनमें से किसी एक की जीवन लीला आज खत्म होने वाली है। घोंसले में बच्चों को अकेला पाकर एक सांप उन पर हमला कर देता है और चिड़िया के एक बच्चे को अपने मुंह में भर लेता है। एक छोटा सा बच्चा सांप से बचने के लिए काफी फड़फड़ाता है, मगर सांप उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। इस बीच पाकर चिड़िया के दूसरे बच्चे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में सांप अपने मुंह में दबे चिड़िया के बच्चे को खाकर निकल जाता है। सांप के चले जाने के बाद वो चिड़िया ने बच्चों के लिए खाना लेकर घोंसले में लौटती है, मगर उसे अपने बच्चे नहीं मिलते और परेशान चिड़िया इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और वो दुखी हो जाती है। एक मुर्गी अपने छोटे बच्चों के साथ खेल रही है, लेकिन तभी वहाँ शिकार की तलाश में कोबरा आ जाता है। वैसे तो मुर्गी किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए किसी से पीछे नहीं हटती। कोबरा को अपने बच्चों के पास आते देख वो काफी घबरा जाती है और कोबरा पर हमला करना शुरू कर देती है। एक बार तो मुर्गी का आक्रामक रूप देखकर कोबरा भी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पेट की भूख उसे वापस उसी जगह पर लेकर आ जाती है और इस बार वो मुर्गी के घर में घुसने में कामयाब हो जाता है। अब मुर्गी के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस जगह पर उसके पास सारे बच्चे भी रहते हैं। कोबरा अंदर घुसकर बच्चों को खाने की फिराक में रहता है, लेकिन मुर्गी के लगातार हो रहे हमले उसे बच्चों को छूने भी नहीं देते। कुछ देर में मुर्गी अपने सारे बच्चों को उस जगह से बाहर निकाल देती है
और कोबरा को वहीं अकेला छोड़कर भाग जाती है। एक कौवा और सांप के बीच गहमागहमी चल रही है। दोनों एक दूसरे को अपना खाना बनाने के लिए लड़ रहे हैं। कौवा बार बार सांप को अपनी चोंच से मारता है तो सांप भी कई बार कौए की तरफ झपटता है। धीरे धीरे सांप और कौए की लड़ाई खूंखार रूप ले लेती है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हमने अपने आसपास मौजूद कौवा को अक्सर ही शांत रहते हुए देखा है, लेकिन पिट की आंख उसे खतरनाक और आक्रामक बना देती है, जबकि सांप को हम उसके उग्र स्वभाव के लिए ही जानते हैं। दोनों जानवरों के बीच की लड़ाई काफी देर चलती है और दोनों ही एक दूसरे का बराबरी से सामना करते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे भयानक लड़ाई जो सांप और पक्षियों के बीच हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टाइगर और भालू के बीच लड़ाई हो गई तो अंजाम क्या होगा? क्या लेपर्ड के मुंह से हाइना भी निवाला छीन सकता है? अगर कोई हाथी किसी गैंडे से भिड़ जाए तो जीत किसकी होगी? हर जानवर के खतरनाक रूप दिखाने का अपना एक वक्त होता है। आज हम आपके लिए जानवरों की खतरनाक लड़ाइयों के वीडियोस लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपकी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लेपर्ड अपना पेट भरने के लिए शिकार की तलाश में भटक रहा है, तभी उसकी नजर अपने बच्चों के साथ घूम रहे वर्थोग पर पड़ती है। बेचारे को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसकी तरफ एक बड़ा खतरा बढ़ रहा है। बड़ी चालाकी से दबे पाँव बढ़ता है और सही वक्त देकर उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। लेपर्ड एक ही बार में वर्थोग की गर्दन को जकड़ लेता है, लेकिन तभी एक हाइना भी आ जाता है और वो भी वर्थोग पर हमला कर देता है। खुद पर दो तरफ से होते हमले देख वर्थोग आक्रामक होकर हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। उसकी कोशिश रंग लाती है और कुछ ही देर में वर्थोग लेपर्ड और हाइना के कब्जे से बचकर भाग जाता है। इस जंगल से बचकर निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही लेपर्ड और हाइना के बीच जंग शुरू हो जाती है। देखते ही देखते हाइना के और भी साथी वहां आ जाते हैं और लेपर्ड पर अटैक कर देते हैं। इन खूंखार हाइना का हमला इतना घातक होता है कि लेपर्ड बुरी तरह जख्मी होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। गर्मी से परेशान एक हिप्पो पानी की तलाश में भटक रहा है। वो घूमता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां जंगल के राजा शेर का कब्जा है और इस जगह को उसके कब्जे से छुड़ाना हिप्पो के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मगर हिप्पो पहले से ही पानी नहीं मिलने से काफी परेशान है और अब वो इस जगह से खाली हाथ लौटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हिप्पो पानी के अंदर कदम रखता है, शेर उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। वो हिप्पो भी शेर के झुंड पर हमला करने से पीछे नहीं हटता और अपनी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। शेर पहले तो कुछ देर तक वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिप्पो पीछे हटने से मना कर देता है तो शेरों को भी वहाँ से जाना पड़ता है। अब इस जगह पर हिप्पो का रास हो जाता है और वो एक ही जगह पर जाकर बैठ जाता है। तालाब में एक प्रेग्नेंट इम्पाला तैर रहे हैं और इसी तालाब के किनारे पर जंगली कुत्ते उसे अपना शिकार बनाने की फिराक में हैं। जंगली कुत्तों को देखकर इम्पाला थोड़ी सहम जाती हैं। वो लगातार तालाब के अंदर रहकर पानी में चक्कर लगा रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर बाहर निकलती है तो कुत्तों का शिकार बन सकती है। पानी में रहते हुए इम्पाला को बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसका पानी से आना भी बहुत जरूरी है। वो कई बार पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर किनारे पर खतरा देख फिर पानी में चली जाती है। एक समय आता है जब इम्पाला पानी से निकलकर किनारे पर आ जाती है। उसे देखते ही जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और घसीटते हुए तालाब से बाहर ले आते हैं। इम्पाला बहुत डरती है, मगर उन कुत्तों के आगे खुद को बेबस पाती है। कुछ ही देर में जंगली कुत्ते उस इम्पाला को मार डालते हैं और उसके पेट में से उसके बच्चे को भी निकाल कर खा जाते हैं। एक लेपर्ड जंगल में अपने खाने की तलाश में भटक रहा है और उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं आता, लेकिन उसकी नज़र एक साही पर पड़ती है। अपने पंजे से उस साही पर हमला करना शुरू कर देता है। साही के शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं जो उसे शिकार होने से बचाते हैं। जब वो अपने आसपास कोई खतरा महसूस करता है तो उन कांटे को ऊपर कर लेता है और हमला करने वाला घायल हो जाता है। साही की यही कांटे लेपर्ड को भी काफी परेशान करते हैं,
लेकिन वो उन कांटे से जूझता हुआ साही का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। साही को तो मार देता है, लेकिन वो उसके कांटों से घायल हो जाता है। पहले वो अपने शरीर से साही के कांटे निकालता है, वहाँ पर साही को खा जाता है। मगर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में साही के कांटों से घायल लिपट की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जंगल का राजा शेर वैसे तो दूसरे जानवरों के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन कई बार वो खुद भी और जानवर का शिकार बनने से नहीं बच पाता। एक शेर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है, तभी उसे हाइना का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। हाइना और शेर का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि शेर की ताकत के सामने हाइना की ताकत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हाइना झुंड में हो और शेर अकेला, तो यहाँ बाजी पलट सकती है। शेर को हाइना का एक झुंड घेर लेता है और हर तरफ से उस पर हमला करता है। शेर इस खतरे को बखूबी भांप लेता है और हाइना को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर हाइना वहाँ से चस्मस होने का नाम भी नहीं लेते। इतने हाइना के बीच में खुद को फंसा हुआ देकर शेर लाचार हो जाता है। लेकिन तभी शेर का एक और साथी वहाँ आ जाता है। दूसरे शेर के वहाँ आते ही हाइना भागने पर मजबूर हो जाते हैं। दोनों शेर मिलकर वहाँ हाइना को खदेड़ देते हैं और खुशी खुशी आगे चलते हैं। दो भूखे शेर शिकार के लिए निकले हैं। कुछ दूर चलने पर उनकी नजर मैदान में घास खाती एक भैंस पर पड़ती है। दोनों शेर उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भैंस को अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे का एहसास हो जाता है। पहले तो भैंस शेरों पर हमला करने के लिए आगे आती है, लेकिन अगले ही पल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। भैंस एक शाकाहारी जानवर है जो अक्सर ही खूंखार जानवरों का शिकार हो जाती है, लेकिन जब उसकी जान पर बनाती है तो वो भी खूंखार बन जाती है। वहीं जंगल का राजा शेर किसी भी जानवर से ज्यादा खूंखार और खतरनाक होता है। भैंस के भागते ही दोनों शेर उस पर हमला कर देते हैं और उसमें से एक शेर भैंस को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाता है। शेर एक झपट्टा मारता है और अपने से दुगने आकार की भैंस को पल भर में गर्दन से पकड़ कर गिरा देता है। शेर की पकड़ इतनी मजबूत रहती है कि भैंस अपनी जान छुड़ाने के लिए काफी कोशिशें करती है, मगर उसकी एक भी नहीं चलती और काफी समय तक दर्द से छटपटाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। हाथी और गेंडा दोनों ही बड़े और ताकतवर जानवर हैं। ऐसे कई मौके आते हैं जब हाथी और गेंडा दूसरे जानवरों के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर हाथी और गेंडे की आपस में लड़ाई हो जाए तो इसमें जीत किसकी होगी? एक हाथी अपनी मस्ती में चलता हुआ आ रहा है, जबकि पास ही में एक गेंडा घास खाने में इतना व्यस्त है कि उसे इस बात का एहसास नहीं है कि आज उसकी मुलाकात एक मदमस्त हाथी से होने वाली है। तभी हाथी उस गेंडे के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। पहले तो गेंडा वहां से निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो भी हाथी के हमलों का जवाब देता है। थोड़ी देर में ताकत के प्रदर्शन की लड़ाई खूंखार रूप ले लेती है और दोनों जानवर एक दूसरे को मात देने में लग जाते हैं। मगर गेंडे को जल्दी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो हाथी से नहीं जीत सकता और वो मौका पाते ही वहाँ से निकलकर भाग जाता है। एक शुतुरमुर्ग के अंडों में से बच्चे निकलते हैं। शुतुरमुर्ग का जोड़ा इस बात से बहुत खुश है और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रख रहा है। उस जोड़े को अपने आसपास हाइना घूम रहे खतरे का भी पूरा अनुमान है, इसीलिए ये अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। तभी हाइना का एक झुंड लालच की नज़र से शुतुरमुर्ग के बच्चों की तरफ देखता है। उनमें से एक खूंखार हाइना बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग की नज़र अपने बच्चों पर होती है और उसका एहसास हाइना को भी होता है। वैसे तो शुतुरमुर्ग काफी शांत जानवर हैं, लेकिन जब वो अपने आसपास खतरा देखता है तो काफी खतरनाक हो जाता है। वो अपने विरोधी पर अपनी बड़ी चोंच लंबी टांगों से हमला करता है और जब बात अपने बच्चों की जान की हो तो शुतुरमुर्ग से अधिक खतरनाक और कोई नहीं। शुतुरमुर्ग हाइना को अपने बच्चों के नजदीक आते देख उसे वहाँ से खदेड़ देता है। ये भयंकर रूप देख हाइना भी वहाँ से बचकर भागना ही सही समझता है और कुछ ही देर में बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। एक मादा भालू अपने बच्चे को टाइगर से बचाने के लिए उसका सामना कर रही है। टाइगर एक खतरनाक जानवर है जो अपने शिकार पर अपने पंजों और जबड़ों से हमला करता है।
और आसानी से उसे छोड़ता भी नहीं है। टाइगर और भालू के बीच ये लड़ाई काफी खतरनाक रूप ले लेती है। टाइगर अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहता, अब भालू पर हमला करता है, लेकिन भालू अपने बच्चों को बचाने के लिए टाइगर के हमले का जवाब देती है। भालू के पंजे काफी मजबूत होते हैं और शिकार करने में उसका भी कोई जवाब नहीं है। टाइगर भालू पर हमला कर उसे पकड़ लेता है और घसीटने लगता है, लेकिन भालू भी अपने पंजे का इस्तेमाल कर टाइगर की पकड़ से छूट जाती है। कुछ देर तक हमलों का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन टाइगर को जल्द ये बात समझ में आ जाती है कि वो भालू से नहीं जीत सकता और वो वहाँ से भाग जाना ही सही समझता है। एक जगुआर शिकार की तलाश में निकला है, तभी उसकी नज़र तालाब में मौजूद एक मगरमच्छ पर पड़ती है। जगुआर एक साथी और शिकारी है और अपने कदमों को काफी धीमे से आगे बढ़ाता है, जिससे शिकार को उसके आने का एहसास भी नहीं होता। पानी में तैरते मगरमच्छ को भी जगुआर के आने का अंदेशा नहीं होता और वो पानी में घूमता रहता है, लेकिन जगुआर जैसे ही एक सही मौका देखता है और मगरमच्छ पर पूरी ताकत से हमला कर देता है। जगुआर का हमला काफी तगड़ा होता है, लेकिन मगरमच्छ के जबड़े की ताकत भी किसी से कम नहीं है। पहले वो अपने मजबूत जबड़े से शिकार को पकड़कर गोल घूमता है और डेथ रोल तकनीक से शिकार के टुकड़े कर देता है। मगरमच्छ पर जैसे ही जगुआर का हमला होता है, मगरमच्छ भी पलटकर उस पर अटैक करने में लग जाता है। कुछ ही देर में लड़ाई खूनी संघर्ष बन जाती है और दोनों जानवर एक दूसरे को मारने की कोशिश में लग जाते हैं। जगुआर अपने जबड़े से मगरमच्छ को कसकर पकड़ लेता है, तो वही मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़कर डेथ रोल करने लग जाता है। बहुत देर तक चली इस लड़ाई में जगुआर की जीत होती है और आज के खाने के लिए उसे एक मगरमच्छ मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको खूंखार जंगली जानवरों की ये खतरनाक लड़ाइयाँ? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।